अबू राफे, क्या आपके पास रोटी है? मुझे आपसे भी ज्यादा भूख महसूस हो रही है। इस तरह तो तमाम लोग भूख से मर जाएंगे। शायद वो लोग यसरिब से हमारे लिए खाने को कुछ लाएं। शायद। अबू राफिया, रसूलुल्लाह से जाकर कहें कि हमें इनफाकों से किसी भी तरह निजात दिलाएं। कैसी बातें करते हो अब्दुल्ला? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। हमें खैबर के यहूदी कत्ल कर देंगे या भूख मार देगी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? अबू सालिह, अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया और हमारे लिए जमीन से ही भेज दिया। मोहम्मद कहाँ है? चलो। मोहम्मद कहाँ मिल सकते हैं? वो आदमी कौन है? तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये खैबर वालों का चरवाहा है। और 50 भेड़े भी उसके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुसलमानों को जिल्लत से बचा लिया। खैबर वालों ने खुद ही हमारे खाने का इंतजाम कर दिया है। इससे पहले कि रसूल अल्लाह इस शख्स की भेड़ों के बारे में को हुक्म सादर फरमाए, इसकी भेड़े छोड़ दो। मैंने हुक्म तुम लोगों को पहुंचा दिया है। वाह, क्या कहने इस इत्मीनान के। क्या आप यहूदियों के अंबिया पर ईमान रखते हैं? तमाम लोग अंबिया पर ईमान रखते हैं, लेकिन उस तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने हमें तालीम दिया है, यहूदियों के तरीके के मुताबिक नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी यहूदियों के तरीके पर गुजार दी है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तो मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तुम अपने दिल से रुजू करो और देखो तुम्हारे दिल में क्या है। मैं अपने दिल में रोशनी महसूस करता हूँ। ये अल्लाह की इनायत है। ऐ मोहम्मद, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने साथ रखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया है, ये शख्स मुसलमान हो गया है। या रसूलुल्लाह, अब इन भेड़ों का इख्तियार मैं आपके सुपुर्द करता हूँ और आप जो हुक्म करेंगे मैं अताअत करूँगा। तमाम भेड़ें वापस कर दो। या रसूल अल्लाह, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। जैसा कि मालूम हो चुका है कि ये भेड़ें यहूदियों की मिल्कियत हैं, उन्हें आवाज दो कि कले का दरवाजा खोलें और अपनी भेड़ें ले लें। या रसूल अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में भेड़ें हमारे लिए माले गनीमत हैं। माले गनीमत सिर्फ वो चीज होती है जो जंग में हासिल हो। मेरे दिल के इनकलाब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके इतने पास हूँ, बिल्कुल सामने। तुम नेकी के बहुत बुलंद दर्जे पर फाइज हुए हो। क्या इसलिए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तुम लोग इस साले आदमी के नेक अंजाम के गवाह रहना। तुम हमारे लिए मौजज़ हो और हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। इसे अपने लश्कर में शामिल कर लो और इसे रहने की जगह दो। कुछ देर बाद तुम इसे दोबारा नहीं देख पाओगे। का शुक्र है कि अब मैं मुसलमान हो गया हूं। खैबर वालों,
गले का दरवाजा खोल दो और अपनी भेड़े ले लो। डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। कले के अंदर आ जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, बेअकल बूढ़े अंदर आ जाओ। मैं कहता हूं अंदर आ जाओ, बेअकल बूढ़े। तूने सुना नहीं? अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबका इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि तीन आदमी इस तरफ से और तीन आदमी उस तरफ से होंगे और उन तीन आदमियों की राय काबिले कबूल होगी जिनमें अब्दुल रहमान इब्ने औफ भी होंगे। इस बात पर मुत्तफिक हो? यहां पर छह आदमी हैं और इसके अलावा हमारे दरमियान यहां शबीह रसूल भी मौजूद हैं। बात कौन शुरू करना चाहेगा? अली, जुबैर, अगरचे गुफ्तगु का आगाज मुश्किल है लेकिन मैं अल्लाह के नाम से आगाज करता हूं। मैं अपनी गुफ्तगु में इस बात को छोड़ता हूं जो बात रसूलुल्लाह के फरमान को झुटलाती है कि नबुव्वत और इमामत एक खानदान में जमा नहीं हो सकती, और रोशन दलीलों को जिक्र करूंगा
और उनकी रोशनी में शूरा का फैसला मुझे भी कबूल होगा और तुम भी कबूल करना। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कौन है जिसका हमजा जैसा चचा हो, जो अल्लाह का भी शेर है और उसके रसूल का भी शेर है और जो सैयदुश शहदा भी है। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में से कौन है ऐसा कि जिसने इस्लाम लाने में मुझ पर सबकत हासिल की हो और जिंदगी भर कभी भी गैर अल्लाह की बंदगी ना की हो। मुझे अल्लाह की कसम है, हम में ऐसा कोई नहीं। मैं तलहा भी यही कहता हूं, हम में ऐसा कोई नहीं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है ए अली। ए अली, हम में से ऐसा कोई नहीं है, आप ही सबसे पहले इस्लाम लाए हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, औरतों का रास्ता मत रोको। अबू राफे, ऊंटों का ख्याल रखना। रुक जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं बाइख्तियार हूं और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बाइख्तियार हो। हमने जो कदम उठाया है उसका हमने पक्का इरादा कर रखा है, और तुम बताओ क्या चाहते हो। बिला वजह फसाद ना फैलाओ। मेरे ख्याल से इन हाशमी औरतों को मक्का वापस जाना चाहिए। तुमने मक्का को यूं छोड़कर इंसाफ नहीं किया। मक्के वालों, इन लोगों को मोहम्मद का मकाम और कद्र अच्छी तरह मालूम है। ऐ अली, इसमें लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं, उन्हें जल्दी वापस भेजो। तुम अभी उस तरफ जाओ। इब्ने उत्बा, मैं तुम्हें दोबारा कह देता हूं कि हमने यसरब जाना है और किसी भी सूरत में मक्का वापस नहीं आएंगे। तुम मुझे अपने सिपाहियों से भी बेहतर पहचानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? हां, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि यसरब जाना चाहता हूं। हाँ, ऐसे ही कहा है। और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हाँ, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुतलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो, या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं,
जाओ और मक्की वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है, अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे अबाओ अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। लश्कर आ गया, लश्कर आ गया, मक्का वालों का एक बड़ा लश्कर आ गया। रास्ता ही नहीं है, इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरू, ये कैसा धोखा है? उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों आ जाओ। जगह ना छोड़ो, बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो, क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली Oh, 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 o
आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थी। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था कि जंगे खंदक में अली की एक जर्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफर से मुकाबले के लिए। अली इब्ने अबी तालिब, ऐ मेरे रब, इस वक्त रूए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो और जो इसकी तरवीज और नशरो इशाअत की कोशिश करता हो और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम ना हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार नियाम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे तीन बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तनहा छोड़ दूं या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लड़सता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठ कर की है। मेरे खुदाया, मेरे
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ऐ जवान, मेरे पांव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। ब्रो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ ए अली। तेरी तलवार की सिर्फ को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मद मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुतशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के हाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मगफरत तलब की, और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। कुछ दिनों कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक जर्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली! ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी जरब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले आऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले आऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मोहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रगबत ना होने की वजह उसका इबलीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक्को शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ह है। अल्लाह की कसम, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। Thank you.
मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है। ऐ मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ। हारिस हूँ। ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी निकल जाने का मौका देता हूँ, वरना मैं तुम्हें ऐसी जर्ब लगाऊंगा जो कभी भूल नहीं सकोगे। तुम्हारे पास कोई जंगजू है तो उसे मेरे मुकाबले में भेजो। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि जंगे खैबर में जब तुम लोग सब के सब जंग से भाग गए थे तो क्या रसूल अल्लाह ने यह नहीं फरमाया था कि कल मैं परचम ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत रखते होंगे और अल्लाह इस कलह की फतह उसके हाथ से फरमाएगा। ऐ अली, मैं कसम खाकर कहता हूं कि बात ऐसे ही है। शाबाश जवान, आज का दिन मोहम्मद का या हारिस का, दिन ढलने तक देखते हैं। लश्कर के साथ खड़ा होगा और परचम हाथ में होगा। ये कला दूसरे कलों से मुख्तलिफ है। हम मोहम्मद को कई तरफ से शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पांचों कुलों पर कब्जा कर रखा है। मोहम्मद की तमाम कुव्वत यही है जो सामने है। हमारी 8,000 नफूस फौज है जो तलवारों, नेजों और तीरों से मुसल्ला है और काफी तजर्बाकार भी है। और इस सब के अलावा हमारे पास मरहब की तलवार भी है। मुझे ये बताओ कि अभी तक मेरे और मरहब के मुकाबले में कोई आ सका? ए हारिस, तूने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया है और कई लश्करों की कुव्वत को तूने पाश पाश किया है और इस वक्त यहूदी कौम की तवज्जो का मरकज तुम हो। अली कहाँ है? अली नजर नहीं आ रहे। अली लश्कर में मौजूद नहीं है या रसूल अल्लाह। मैंने कुछ देर पहले उन्हें लश्कर के लिए खाना पकाते हुए देखा था।
एली, क्या आपके अलावा कोई और ऐसा नहीं था जो लश्कर के लिए खाना पकाता? रसूल अल्लाह ने आपको तलब फरमाया है। खैबर के बड़े किले वाले मुबारिस तलब कर रहे हैं। मोहम्मद ने किसी को अली को बुलाने के लिए भेजा है। अली? हाँ, अली, अली इब्ने अबी तालिब। अली इब्ने अबी तालिब। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ कि उस सुबह को रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया था कि अली को बुलाओ, और जब मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरी आंखें दर्द से दुख रही थी। ऐ अली, ये कला अभी तक बाकी है, लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस कले का दरवाजा खोलो, हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं, उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो, मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है क्योंकि मैं मौत हूं। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूं। मेरी तलवार और नेजे के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है, क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं, अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्ला लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेजे के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं, हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो। Ah!
अबू तालिब के बेटे अपनी तलवार आजमाओ, अबू तालिब के बेटे आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय हारिस, वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ, यहाँ हारिस के पास आओ। जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूल अल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई, और जब मेरी आंखें ठीक हुई तो उन्होंने मुझे परचम दिया, और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था, और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ए अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? खुदाया, ये क्या हो गया? हाय मुसीबत। जंग सुबह दोबारा होगी। मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती हैं। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, ए सरदार हारिस, मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया, मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत। हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया? बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली। अली, अली, अली इब्ने अबी तालिब। अली, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है, जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ, मुझे सिपाही नहीं चाहिए। हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है, और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है
कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा, मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? हूँ, मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊँ क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल है और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ, मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को नयाम से निकाल लो और मेरे नेजे और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो, तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूँ, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने दो पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है? ऐ मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे
हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने अबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं, और ए मोहम्मद हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं, तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलाम अल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है, और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ऐ मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में ये भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहां आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा। मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है, और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी, और फिर मैं तुम्हारे मुर्शिद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई ना जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ऐ खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफा का आजाद करदा गुलाम हूं।
अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ जवाब दूंगा, पूछो या नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं। सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्देवद आमरी को कत्ल किया था। हारिस और मरहब को खैबर में। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि तुम में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसकी बीवी मेरी बीवी जैसी हो, जो रसूलुल्लाह की दुख्तर और रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा और आलमीन की औरतों की सरदार हो। मैं कसम खाता हूं, यह शर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास है। मैं तुम लोगों को कसम देता हूं कि मुझे बताओ, क्या तुम में मेरे सिवा कोई ऐसा शख्स है कि जिसके हसन और हुसैन जैसे फर्जंद हों, जो रसूलुल्लाह के दो फूल हैं और जन्नत के जवानों के सरदार हैं? अल्लाह की कसम आपके सिवा कोई नहीं। वो औरत कौन है? वो रसूलुल्लाह की दुख्तर है। और वो जौजा है अली की? सही कहा, ये फातिमा ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम, हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। देखो मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तिला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी ऐ अज़ाब करने वाले खुदा, जल्दी कर, हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। हे मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ, हम पर लानत न करना, लानत न करना। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूँ कि मेरे अलावा तुम में कोई शख्स है कि जिस पर आयत तत्हीर नाजिल हुई हो, और मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूलुल्लाह ने अल्लाह के हुक्म से तुम सबके घरों के दरवाजे बंद नहीं किए थे और मेरे घर का दरवाजा खुला रहने दिया और तुम सबने एतराज भी नहीं किया था? तो क्या रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया था कि मैंने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद नहीं किए और ना अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हारे घरों के दरवाजे बंद किए और अली के घर के दरवाजे को खुला रहने दिया?
मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, क्या तुम लोगों में मेरे सिवा कोई शख्स है कि जिसके बारे में यौमे गदीर पर रसूल अल्लाह ने फरमाया हो, जिसका मैं मौला हूं ये अली उसके मौला हैं। ऐ अल्लाह, अली के दोस्त को दोस्त रख, अली के दुश्मन को दुश्मन रख, और जो अली की मदद करे तू भी उसकी मदद कर, और जो अली की मदद ना करे तू भी उसकी मदद ना कर। ऐ अली, तुम्हारी बात सही है, खुदा की कसम ये सब खसूसियात सिर्फ तुम्हारी हैं। ऐ भाइयों और बहनों, अपनी जगहों पर ठहरो, इधर उधर मत जाओ, गर्मी की शिद्दत तुम लोगों को थका देगी। थोड़ी देर बाद रसूल अल्लाह हम सब से खिताब फरमाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين میں تم سب کو اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے اے لوگو میں تم میں دو قیمتی امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری اہل بیت قرآن اور اہل بیت اگر تم قرآن اور میری عطرت سے دور ہوگے تو ہلاک ہو جاؤ گے اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ اے اللہ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے اے لوگو ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اے علی مبارک ہو اے علی مبارک ہو اے علی مبارک ہو کیا تم لوگوں نے نہیں سنا رسول اللہ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ہم نے ایسا کبھی نہیں کہا ہمیں اس میں کوئی شک نہیں خدا شاہد ہے کہ میرے ایسے ہزاروں فضائل ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے لیکن اس کے باوجود تم نے ایسا طریقہ اختیار کیا جس سے تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچے
और मैं अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए सब्र करूंगा। हम यहां कयाम करेंगे। अबू राफे, रहने के लिए ये जगह मुनासिब है? क्या तुमने इधर उधर नहीं देखा? ऐ इब्ने अब्बास, ठहरने का मामला मेरे इख्तियार में नहीं है। यहां रुकने का हुक्म आपने दिया है या अली? ये जगह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेहतर होता कि कल दोपहर तक यहां से निकल जाते और मुंतशिर होकर हर जगह पानी तलाश करते। मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। यहां से 1000 आदमी हमारे लश्कर में शामिल होंगे। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। 1000? पूरे 1000, ना कम ना ज्यादा। अब्बास, तुम्हें किस चीज का खौफ है? तुमने मौला की बात नहीं सुनी? कहा मददगार कम है लेकिन साबित कदम है। ए मालिक, ये नहीं, दूसरी बात जो की है। कहा 1000 आदमी हमारे लश्कर से आ मिलेंगे, क्या तुम्हें इसमें शक है? बताओ, कोई शक है? क्या तुम्हें इसमें कोई परेशानी की बात नजर नहीं आ रही? मालिक, मुझे परेशानी हो रही है। तुम्हें क्या परेशानी है इब्ने अब्बास? हाँ, वो तमाम कबाइल अमीरुल मोमिनीन के अंसार हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मुआविया के साथ हैं। मैं उस 1000 के अदद की बात कर रहा हूँ। तुमने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा होगा जो मेरी तरह अमीरुल मोमिनीन के कलाम के एक एक जुमले पर इतनी गहरी नजर रखता हो। तो तुम क्या कहते हो ए मालिक अश्तर? ये बात तो सही है, तू बाखबर है। तू परेशान ना हो, अगर 1000 अफराद ना आए तो इससे कम भी नहीं आएंगे। क्या तुमने सुना नहीं जब कहा 1000 शख्स, ना कम ना ज्यादा? तो क्या 1000 लोग आएंगे या 1000 से कम? मालिक, क्या तुम्हें मालूम है कि इसका महज कूफा के मुनाफिकीन के हाथ लग सकता है?
ان قریب وہ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 1000 شخص اور ابھی تک 800 آئے ہیں۔ نہیں 1001۔ مالک تم نے کتنے شمار کیے؟ 800۔ اچھی طرح گنے، میں نے بھی پورے 800 گنے ہیں۔ خدا سے امید رکھتے ہیں کہ لشکر کے باقی لوگ جو راستے میں ہیں وہ پورے 200 ہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ وہ آگے لشکر کے باقی لوگ، ہم جن کے انتظار میں تھے۔ ہمیں صرف 200 افراد کی ضرورت ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ کتنے گنے ہیں؟ 199۔ 199۔ واویلا نہ کرو۔ اب واویلا کیوں نہ کروں؟ لشکر میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہیں، وہ بھی گنتی کریں گے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تعداد مکمل نہیں ہے۔ شاید تم سے گننے میں غلطی ہوئی ہو۔ مالک کیسی غلطی؟ مجھے اور تمہیں اس تعداد پر یقین ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا 1000 آدمی، جبکہ یہاں 999 موجود ہیں۔ امیر المومنین پر میرا ایمان ایسا نہیں جو ذرا سی بات پر ڈگمگانے لگے، اور میں نے امیر المومنین سے ایسے عجائبات دیکھے ہیں جسے میں اور تم گنوانا شروع کریں تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں اے مالک، البتہ ایک فرق ہے کہ میری چھٹی حس مجھے منافقین اور اسلام کے دشمنوں کے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ میں اللہ سے اس غلطی کے درگزر کرنے کی دعا کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ میری بات دقیق نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں ہمارے گرد کافی منافقین ہیں، تو مجھے خوف ہے کہ وہ باتیں بنائیں گے۔ وہ دیکھو ابن عباس، ہمارا مخلص محب آ رہا ہے، میں اسی کا منتظر ہوں، اس کے آنے سے تمہاری تعداد بھی مکمل ہو جائے گی۔
सलाम हो आप पर है मेरे मौला। थके हुए मुसाफिर पर हमारा सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपके लश्कर तक पहुंचा दिया और आपके जमाले मुबारक से मेरी आंखें मुनव्वर हो गईं। मैं कितना खुशकिस्मत हूं। ऐ अवैसे अजीज, मैं भी तेरा मुश्ताक था। अवैस, अवैसे करनी मालिक, तूने सुना है वो अवैसे करनी है? या खुदाया, ये अवैसे करनी है, अवैसे करनी। मैंने खुदा से दुआ मांगी थी कि आपके हजूर मुबारक इसी हाल में जल्द पहुंच जाऊं। तुमने तुलानी सफर तय किया है और तुम थके हुए हो। मैं कुछ देर बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम्हारी कुव्वत भी बहाल हो जाएगी। ऐ मौला, मेरी कुव्वत आपके जमाले मुबारक की ज़ियारत से बहाल हो गई है। मौला, आप मुझे कोई थकावट नहीं, आप तमाम रास्ते मेरी नजरों से ओझल रहे। ऐ मौला, मैं अल्लाह से दुआ करता रहा मुझे आपकी ज़ियारत के बाद मौत नसीब हो। या मौला। उवैस, मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, ये आपकी ज़ियारत का सबसे अहम तबर्रुक है। हाँ बिल्कुल। ऐ खुदाया, मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरे हमरकाब होगे और इस मकाम पर तुम्हें शहादत नसीब होगी। रोजे गद्दीर इनके नबी ने मुनादी की और कितने लोगों ने रसूल की मुनादी सुनी कि रसूल ने फरमाया, ए अली खड़े हो जाओ क्योंकि तुम मेरे बाद इमाम और हादी हो, और फरमाया, जिस का मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, इसकी सच्चे दिल से पैरवी करो और इससे जुदा ना होना, क्योंकि मेरे बाद अली ही मेरा वसी है। यहाँ करीब कहीं से पानी नहीं मिलेगा, हम सब प्यासे हैं। तुम लोग पानी कहाँ से लाते हो? दरियाए फरात के करीब मेरा एक दोस्त रहता है, वो रोज मेरे लिए वहाँ से खाना और पानी लेकर आता है। अगर तुम लोग प्यासे हो तो तुम्हें दरियाए फरात पर जाना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है।
तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। एक आदमी मुझे बताओ कि तुम्हारा ये सरकार कौन है, नबी है या नबी का वसी है? ये नबी का वसी है। नाम, इसका नाम क्या है? अली। अली, इलियास, इलिया, इलिया। अली, अबरानी जबान में इलिया है। तुम्हें कहाँ जाना है? जंग के लिए। जंग के लिए? किसके साथ जंग है? शामी लश्कर के साथ। ये बताओ, शाम का हाकिम कौन है? मुआविया। मुआविया, क्या आप नबी के वसी हैं? तुमने ठीक कहा नसरानी, मैं खत्मुल अंबिया का वसी हूं। मेरे अबाओ अजदाद काफी अरसा इस बुर्ज में आज के दिन का इंतजार करते रहे ताकि आप जैसा कोई शख्स आए और इस चश्मे को तलाश कर दे। मेरे तमाम अबाओ अजदाद फोत हो गए, किसी को इस चश्मे का पता नहीं चल सका। ये लो देखें, ईसा मसीह के हवारियों में से एक ने इस लो में इशारा किया है कि जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा यहाँ पोशीदा है। इस चश्मे की जगह को सिवाय नबी के या उसके वसी के अलावा कोई नहीं जानता है। तुम में से जिसने ये चश्मा तलाश किया है, हम बगैर तरद्दुद के उस पर ईमान लाते हैं और जंग में हम सब उसके हमरकाब होंगे। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक नूर देख रहा हूँ, ये लौह मुझे दिखाओ। मकामे शुक्र है कि अली इब्ने अबी तालिब तुम्हारे पास हैं। आप मुझे इस्लाम की तालीम दें। तुम्हारा इस्लाम जबानी नहीं है बल्कि तुम अमली तौर पर मुसलमान हो चुके हो। हम जंग पर जा रहे हैं। मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें इस्लाम की बिशारत देता हूं, इसके अलावा कौन सी बिशारत चाहते हो? मौला, आप मेरे सर आंखों पर। सिफीन में तुम मेरे लश्कर के पहले शहीद होगे। मैं कितना खुशनसीब हूँ, मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरी खुशनसीबी है। फिर मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा। और इस उंगली से तुम्हारी कब्र की तरफ इशारा करके कहूंगा कि ये शख्स हम अहले बैत में से है। मैं कितना खुशनसीब हूं,